हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वाइब्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम का मुरब्बा। मेरी चैनल में पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूं, जब स्टार्टिंग में आम आया था समर में तब की थी और आज फिर से कर रही हूं। ये जो आम है ये है कलीमी आम, थोड़ा बड़े साइज़ का है और इसमें मुरब्बा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं थोड़ा ज़्यादा करके बना रही हूँ क्योंकि 1 मंथ तक मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। ये विदाउट ओनियन एंड गार्लिक का मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये है कलीमी आम। आप चाहे तो इसका छिलका निकाल के बना सकते हो, मैं विथ जो उसका छिलका है मैं बना रही हूँ। देखिए, और आप लोगों को अगर मेरी जो प्रोसीजर है अच्छा लग रहा है तो सेम प्रोसीजर में आप बनाइए और इसको स्टोर करके फ्रीज में रखिए, क्योंकि आम का सीजन जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप रख के ज़्यादा दिन तक इसको खा सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैं जो प्रोसीजर में बनाई थी, आप बनाने के बाद आपका टेस्ट कैसा था।
आम का मुरब्बा बनके रेडी हो गया है। मैं कम ग्रेवी रखी हूँ, आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप रख सकते हो। मैं इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करूँगी इसीलिए कम ग्रेवी बनाई हूँ। और कोशिश कीजिए जैगरी में बनाने के लिए शुगर को एवॉइड कीजिए। जैगरी में बनाएंगे तो कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो रेड चिली पाउडर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके डालिए, खट्टा मीठा तीखा होगा तो जो मुरब्बा है उसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने के लिए। अभी मैं क्या करूँगी, ऐसा एक ग्लास जार में, एकदम ड्राई है ग्लास जार, उसमें स्टोर करके मैं फ्रीज में रख लूँगी। आप चाहे तो प्लास्टिक जो जार आता है, नहीं तो प्लास्टिक बॉक्स में आप भी स्टोर कर सकते हो। मैं ग्लास जार में स्टोर करके रख रही हूँ। अगर पसंद आया होगा तो मुरब्बा का रेसिपी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।